शायद मैं दुनिया का सबसे मनहूस बाप हूँ जो अपनी बेटी से ये कह रहा हूँ। तुम समझ रही हो ना कोयल? साफ साफ बोलिए ना पापा, आप क्या कहना चाहते हैं? कोयल, हमारे पास और कोई चारा नहीं है, तो तुम्हें मोहित रायजादा के साथ समझौता करना ही पड़ेगा। अपने पापा की बात सुन कोयल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि उसके पापा ने उससे ऐसा कुछ बोला है। वो घबराहट में जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मुझे नहीं जाना है उस दरिंदे के पास, प्लीज कोई मुझे बचा लो, प्लीज। तुम्हें कुछ नहीं होगा कोयल, हम कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। कोयल के दोस्त उसे शांत करवाने की कोशिश कर रहे थे, पर सब जानते थे कि किसी के पास इतनी पहुंच नहीं है कि वो मोहित या उसकी लायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज को छू भी सके। इतने में वहां बैठा लकी कोयल से बोला, चिंता मत करो कोयल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लकी की बात सुन वहां बैठे लोग हैरान रह गए, क्योंकि वो पूरे कॉलेज का सबसे गरीब लड़का था और उसकी हैसियत तो मोहित रायजादा के यहाँ काम करने वाले चपरासी की भी नहीं थी। लकी को वहाँ देख कोयल एकदम से भड़क जाती है। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अपनी औकात पता है तुम्हें? अगर उस दिन तुम, इससे पहले कि कोयल आगे कुछ बोल पाती, उसके मोबाइल पर पापा का फोन एक बार फिर से आता है। कोयल बेटा, ये लकी कौन है?